वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। सिंप्लीफिकेशन का एक्सरसाइज 6 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आपको सिंप्लीफिकेशन में बोडमास पढ़ना होता है। एक बोडमास यहाँ पे हमने लिखा है BODMAS, बोडमास। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में इसको जानना होता है कि बोडमास में होता क्या है। B4 होता है स्टूडेंट ब्रैकेट्स। O4 होता है ऑफ। जहां भी ऑफ हो वहां पे गुना का चिन्ह देके इसका प्रोसेस किया जाता है। D4 होता है डिवीजन। M4 होता है मल्टीप्लिकेशन। A4 होता है एडिशन। S4 होता है सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिखा है देर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स 4 तरह के होते हैं। पहला होता है बार, दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट्स, इसका हमने सिंबल भी बनाया है। तीसरा होता है आपको कर्ली ब्रैकेट और चौथा होता है बिग ब्रैकेट। इसका ऑर्डर ऑफ प्रोसेस अगर समझिएगा तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट की, फिर उसके बाद कर्ली, उसके बाद बिग। जब आपका ब्रैकेट का प्रोसेस पूरा हो जाता है तो उसके बाद ऑफ का प्रोसेस करते हैं, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन और सबसे लास्ट में आपका सब्ट्रैक्ट का क्रिया किया जाता है। तो ये है आपका बोडमास। B4 ब्रैकेट, O4 ऑफ, D4 डिवीजन, M4 मल्टीप्लीकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स, बार, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। इसको वैक्यूम भी कर सकते हैं, इसको पैरेंथेसिस भी कर सकते हैं और इसको मीडियम भी कहा जाता है और ये बिग ब्रैकेट होता है या स्क्वायर ब्रैकेट भी इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 6 का एक क्वेश्चन है 2 नंबर्स। ये यहाँ पे आप एक क्वेश्चन से यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिवाइड है, ऐड है, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिवाइड की क्रिया करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 + 8 डिवाइड 4 है तो 4 2 = 8 हो जाएगा -2 × 3। अब सेकेंड स्टेप हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई की क्रिया करेंगे तो ये 16 + 2 - 2 = 3 = 6 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम यहाँ पे प्लस का क्रिया करेंगे तो 16 + 2 = 18, 18 - 6 = हो जाएगा आपका 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, बोर्ड में मैंने लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको ब्रैकेट्स दिया हुआ है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, ये कर्ली है और ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये बार है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में हम बार की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट 27 - स्क्वायर ब्रैकेट 18 - कर्ली 16 - ये छोटा ब्रैकेट में बार की क्रिया करेंगे। 5 - 4 - 1 कर लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये फिर से आपका ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट 27 - स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बिग ब्रैकेट 18 - 16 - 5 - 3 = 2 हो जाएगा। तो ये आपका छोटा ब्रैकेट खत्म हो गया, रिमूव हो गया। अब यहाँ पे आपको इस ब्रैकेट को हटाना है, मिडिल ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट का प्रोसेस करना है। तो स्टूडेंट 27 - बिग ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 - 16 में से 2 जाएगा तो 14 हो जाएगा। ये इसकी भी क्रिया खत्म हो गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट 27 - 18 - 14 = 4 हो जाएगा। इक्वल टू 27 में से 4 घटाएगा तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट को रिमूव किया, उसके बाद इस छोटे ब्रैकेट को रिमूव किया, फिर इस ब्रैकेट को रिमूव किया, उसका प्रोसेस कर लिया, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को प्रोसेस कर लिया और लास्ट में यहाँ पे सब्ट्रैक्ट का प्रोसेस कर लिया। इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पे 23 आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 है 4 होल 4/5 / 3/5
ऑफ 5 प्लस 4 बाई 5 मल्टीप्लाई 3 बाई 10 माइनस 1 बाई 5। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे 4 4 4 बाई 5 है, 4 5 20 और 4 24 बाई 5 हो जाएगा, डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा 3 बाई 5 ऑफ हो जाएगा 5 बाई 1 प्लस हो जाएगा 4 बाई 5 मल्टीप्लाई 3 बाई 10 माइनस हो जाएगा 1 बाई 5। अब इसमें सबसे पहले हम ऑफ क्रिया करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले ऑफ की क्रिया करेंगे क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद जो है ऑफ की हम लोग क्रिया करते हैं। तो ऑफ की क्रिया करेंगे स्टूडेंट तो 24 बाई 5 डिवाइड, ये ऑफ का क्रिया आप गुना कर लोगे 3 5 से, यह 5 5 काट दो तो 3 बाई 1 हो जाएगा प्लस 4 बाई 5 मल्टीप्लाई 3 बाई 10 माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट ये डिवाइड की क्रिया करेंगे, तो जब भी हम फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करके इसको जिससे डिवाइड किया जाता है उस फ्रैक्शन को उलटते हैं, तो 24 बाई 5 इंटू हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस हो जाएगा 4 बाई 5 इंटू हो जाएगा 3 बाई 10 माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा। ये स्टूडेंट 3 8 3 8 24 हो जाएगा 8 बाई 5 प्लस हो जाएगा 4 बाई 5 इंटू हो जाएगा 3 बाई 10 और माइनस हो जाएगा 1 बाई 5। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 बाई 5 प्लस हो जाएगा, ये आप मल्टीप्लाई क्रिया कर लो, अगर 2 2 4 और 2 5 10 यानी ऊपर हो गया 2 3 6 और ये हो गया 2 5 5 25 माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स उसके बाद हम ऐड की क्रिया करेंगे, 8 बाई 5 और 6 बाई 25 को जोड़ेंगे, 5 और 25 का एलसीएम 25 होगा, तो 5 5 25 8 5 40 हो जाएगा और प्लस ये 6 हो जाएगा माइनस 1 बाई 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका हो गया 46 बाई 25 आप माइनस 1 बाई 5। तो यहाँ पे 25 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये 46 हो जाएगा और माइनस 5 5 25 तो 5 हो जाएगा, यानी कि आपका आ गया 41 बाई 25। यहाँ पे स्टूडेंट इसको होल मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिएगा, 25 1 25 16 बाई 25 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है आपको बनाना है, यह एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो होमवर्क में लिखिएगा डू एक्सरसाइज 6 1 6 8 इसको आप कर लीजिएगा। थैंक यू।